जय हिंद बच्चों, आज हम लोग यूग्लेनॉइड के बारे में पढ़ेंगे। यूग्लेनॉइड किंगडम प्रोटिस्टा का क्लास है, तो किंगडम प्रोटिस्टा में 5 क्लासेज होते हैं। पहला क्राइसोफाइट लिखा हुआ है, दूसरा डाइनोफ्लेजिलेट और तीसरा यूग्लेनॉइड, जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, और चौथा स्लाइम मोल्ड, पांचवा प्रोटोजोअन। तो हम लोग यूग्लेनॉइड के बारे में अच्छी तरीके से आज पढ़ेंगे। यूग्लेनॉइड आज का हमारा टॉपिक होगा। यूग्लेनॉइड फ्रेश वाटर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और वो फ्रेश वाटर स्टेग्नेंट रहना चाहिए, ठीक है। मतलब कि यूग्लेनॉइड फ्रेश वाटर और स्टेग्नेंट वाटर में प्रेजेंट रहता है। स्टेग्नेंट वाटर का मतलब ऐसा पानी जो कि फ्लो ना करता हो, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना जाता हो, उसी को हम लोग स्टेग्नेंट वाटर कहते हैं, ठीक। यूग्लेनॉइड में सेल वॉल अब्सेंट होता है, ठीक है, सेल वॉल अब्सेंट होता है। सेल वॉल की जगह पर प्रोटीन की लेयर पाई जाती है, ठीक है, प्रोटीन की एक लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग पेलिकल के नाम से जानते हैं, ठीक है, PELICLE, पेलिकल। तो प्रोटीन की एक लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग पेलिकल कहते हैं, ये सेल वॉल की जगह पर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। पेलिकल यूग्लेनॉइड को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, पेलिकल प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द यूग्लेनॉइड। तो वो लिखा है पेलिकल प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू यूग्लेनॉइड, तो यूग्लेनॉइड को फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, तो नाम देंगे पेलिकल, देन पेलिकल प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द यूग्लेनॉइड। यूग्लेनॉइड में दो फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक बड़ा होता है, लॉन्ग होता है, और एक उससे छोटा होता है, मतलब शॉर्ट रहता है। तो टू फ्लेजिला प्रेजेंट, ए लॉन्ग वन एंड शॉर्ट वन, ठीक है, एक लंबा रहता है और एक उससे छोटा होता है। यूग्लेनॉइड को कनेक्टिंग लिंक भी माना जाता है, ठीक है, प्लांट और एनिमल का कनेक्टिंग लिंक भी माना जाता है। अगर सनलाइट प्रेजेंट रहता है तो उस समय प्लांट की तरह बिहेव करता है, और जब सनलाइट अब्सेंट हो जाता है तो उस समय यही यूग्लेनॉइड एनिमल की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। आगे समझाते हैं इसके बारे में। जो पिगमेंट हायर प्लांट्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जो बड़े प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, वही पिगमेंट जो है तो यूग्लेनॉइड में भी पाया जाता है, ठीक है, तो यूग्लेनॉइड में मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब इसमें हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी होता है और एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी होता है, हेटरोट्रॉफिक और एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दोनों पाया जाता है, तो इसीलिए हम लोग मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसको कहते हैं, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नाम देते हैं। आगे चलेंगे। यूग्लेना का तस्वीर इसी तरह रहता है, ठीक है, ये यूग्लेना है। यूग्लेना में एक लॉन्ग फ्लेजिला प्रेजेंट होता है और एक शॉर्ट फ्लेजिला प्रेजेंट होता है, तो ये वाला शॉर्ट फ्लेजिला है, ठीक है, फ्लेजिला शॉर्ट है, और ये वाला जो है तो लॉन्ग फ्लेजिला है, ये भी फ्लेजिला है, तो ये वाला लॉन्ग फ्लेजिला। तो एक छोटा फ्लेजिला रहता है और एक बड़ा फ्लेजिला रहता है। तो हम बताए हैं कि यूग्लेनॉइड में मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, अगर सनलाइट प्रेजेंट हो तो उस समय ऑटोट्रॉफ की तरह काम करता है, ठीक है, ये खुद से भोजन बनाने लगता है, और अगर सनलाइट अब्सेंट रहता है, ठीक है, तो उस समय वो दूसरे पर डिपेंड हो जाता है अपने भोजन के लिए, ठीक है, हेटरोट्रॉप्स की तरह काम करने लगता है, हेटरोट्रॉप बन जाता है। एग्जाम्पल है यूग्लेनॉइड का यूग्लेना, ठीक है,
युगलेना जो है तो युगलेनॉइड का एग्जांपल है। तो आज का हमारा जो युगलेनॉइड टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है, और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो स्लाइम बुल्ड होगा, और उसके बाद प्रोटोजुआ।